तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यू एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाला हूँ बोया का कॉलर माइक अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, जो मैं पहले माइक इस्तेमाल करता था तो वो थोड़ा सा सिंपल सा वाला माइक था। अब मैंने जो कॉलर माइक बोया का खरीद लिया है वो मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाया है। तो इस दोनों माइक में क्या फ़र्क था ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइज अक्सर क्या होता है, ये कॉलर माइक यहाँ कॉलर पर होता है तो इससे आवाज़ बड़ा और अच्छा आता है गाइज, इस माइक से, कॉलर माइक से। और जो मैं यूज़ करता था वो माइक मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। ये माइक सिंपल सा एक माइक था मेरे कैमरे का, वही मैं इस्तेमाल करता था। एक बार आप कैमरे में देख लो। अब मैंने जो कॉलर माइक है वो खरीद लिया है मेरे यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो बॉक्स या कुछ निकलने वाला है, इसके अंदर कुछ बॉक्स होगा तो उसमें बहुत सी डिटेल्स शायद होगी, मैं आपको डिटेल्स डायरेक्टली बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम करते अनबॉक्सिंग, मतलब इस कैंची से करता हूँ इसको कट। और तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो मैंने एक किया है कट और इसके बाद मैंने कहा था इसके अंदर एक बॉक्स होगा, तो फाइनली मुझे इसके अंदर एक बॉक्स मिल ही गया। यहाँ पर जो बॉक्स पर MRP इसकी जो है कीमत वो 1000 रुपये है गाइज, लेकिन ये असली कीमत नहीं है, ये नकली कीमत है। असली कीमत मैंने ख़रीदा था ये माइक 700 रुपीज़ को, मैंने 700 रुपीज़ 700 रुपीज़ में मैंने कॉलर माइक ख़रीदा है। और गाइज इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि कॉलर माइक बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि कॉलर माइक अक्सर यूट्यूब के लिए ले लो आप एक बार। तो मैंने फाइनली जो कॉलर माइक है वो ख़रीद लिया। तो गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे एक बार, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो नेक्स्ट मिल जाए आपके यूट्यूब पे। तो यहाँ पे बोया का जो कॉलर माइक है उसका डिटेल्स पेपर यहाँ पर हमें मिल रहा है। उसमें क्या दिया है कि वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सभी डिटेल्स यहाँ पर इस बुक्स में हमें दिया हुआ है, वो आप एक बार पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है कॉलर माइक होगा। तो ये रहा हमारा कॉलर माइक गाइज, ये जो माइक है मैंने फाइनली ओपन कर लिया। इसे यहाँ पर ये पिन आ जाती है हमें, और मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर स्मार्टफोन कैमरा दोनों को ही भी ये माइक इस्तेमाल या कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार आप एक बटन को जूम करके देख लो, हमारे स्मार्टफोन को आप एक कॉलर माइक जो है कनेक्ट कर सकते हो। और ऊपर जो बटन ढकेल दिया तो कैमरे को भी आप ये माइक कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ भी हमें मिल रहा है ये यहाँ पर हमें पिन मिल रही है एक, जो एक बार मैं खोल के देखता हूँ। वाह, ये पिन जो है वो हमें मैं इस माइक की केबल इसमें कनेक्ट करके, जो ये बड़ी वाली केबल है वो साउंड सिस्टम, बड़े साउंड हो उसमें भी हम ये कनेक्ट कर सकते हैं गाइज, और माइक के ज़रिए हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो नया माइक है उसे ही इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ये जो कॉलर माइक है वो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और इसमें से जो आवाज़ आपको आ रहा है वो कॉलर माइक का ही है। तो मैं इसके बाद ये माइक ही इस्तेमाल करूँगा। आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।